हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल राज है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस साल यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 59 हासिल किया है। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और गॉड्स ग्रेस और पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के कारण ये मैं हासिल कर पाया। ये जो वीडियो है ये मेरा अपना लाइफ जर्नी, अपना जो एक्सपीरियंस है और जो जो चीज़ मैंने फेस की इस जर्नी में, मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2013 में ग्रेजुएशन 2013 में टेंथ एग्जाम से लेके 2019 में मेरा ग्रेजुएशन तक मैंने क्या क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या क्या गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और जो मुझे करनी भी चाहिए थी, क्योंकि जो आप गलतियाँ करते हैं उसे आप सीखते हैं और वही आपको लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ऊंचे स्थान पे पहुंचाता है। तो ये तो भाई मेरी जर्नी हुई। ये जो वीडियो है ये किसी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बस नहीं है, ये हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो अपना लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। अगर आप क्लास टेंथ में, आपको क्या लेना है, क्या लेना चाहिए, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करने में ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरा जर्नी मैं स्टार्ट करता हूँ। 2013 को मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था संत फ्रांसिस स्कूल हमू रांची से। मुझे बोर्ड में 94% स्कोर आया था। मैं बायो में भी अच्छा था, मैं मैथ्स में भी अच्छा था। अब यहाँ पर मेरे लाइफ में एक डिसीजन लेना था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल के लिए जाऊँ, मैथ्स लूँ या बायो लूँ। दोनों तो ले नहीं सकता था क्योंकि उतना भी मैं पढ़ने में नहीं था कि सारा कुछ एक साथ कर सकूँ। तो मेरे पापा जो है वो लैब टेक्नीशियन है, मेरी मॉम जो है वो नर्स है और मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं। मेरे जो कजन्स हैं वो खुद डेंटल डॉक्टर्स हैं। तो ऑब्वियस बात है जब ऐसा माहौल में मैं रहूँगा तो फिर मेरा जो डिसीजन होगा वो ज़रूर मेडिकल्स के लिए ही होगा। तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। उस समय मुझे CDS क्या होता है, इंडिया क्या होता है, डिफेंस सर्विसेज क्या होता है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, 2019 उतना भी इंटरनेट का बूम नहीं था कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक क्लिक पे मिल जाए। ठीक है, तो 2 साल मैंने तैयारी किया। 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 12th आया, 2015 में मैंने 12th का अपना एग्जामिनेशन दिया जिसमें 91% मुझे स्कोर आया और मैंने अपना 12th कैराली स्कूल HEC धुरवा से कम्प्लीट किया है जो कि CBSE बोर्ड है। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उस समय उसे AIPMT बोलते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट था, दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या तो फिर मैं 1 साल ड्रॉप ले लूँ। तो अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो सोचा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी ड्रॉप लिया था तैयारी करने के लिए क्योंकि उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने भी नहीं निकाल पाया था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ड्रॉप लेता हूँ। अब कोचिंग जाएँ कि नहीं जाएँ, अब कोचिंग से मेरा बहुत दूर दूर का नाता नहीं है, मुझे मतलब पसंद नहीं आता है वो। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो खुद से तैयारी करते हैं। तो 2015 से लेके 2016 ये मेरा ड्रॉप ईयर था, इस पर मैंने तैयारी किया। लेकिन 2 महीने ही बीते थे कि मैं समझ गया कि डॉक्टरी या फिर डॉक्टर बनना मेरे लिए नहीं है। इसके पीछे का कारण बताता हूँ। मेरा जो छोटा भाई था वो NDA का प्रिपरेशन करना चाहता था, वो 10th कम्प्लीट ही किया था। तो मैंने जब पहली बार NDA के बारे में सुना तो मुझे पता चला ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है हमारे के पास। अब मैंने तो मैथ्स लिया नहीं था और एज लिमिट भी शायद फिर से मैथ्स 11th 12th पढ़ना अटेम्प्ट देना पॉसिबल था नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या सिर्फ NDA के थ्रू ही आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। तो उसने मुझे CDS के बारे में बताया कि CDS एक एग्ज़ाम होता है जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर कर सकते हो जिसपे आप 21 ईयर्स ऑफ एज में आप ऑफिसर बन सकते हो। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि अगर मैं मेडिकल लेता हूँ पढ़ते पढ़ते तो 30, 28, 29 तो हो ही जाने हैं, लेकिन अगर वही मैं 3 साल बहुत ज़्यादा अच्छा से मेहनत करता हूँ ग्रेजुएशन के साथ तो 21 ईयर्स में भी मैं आर्मी ऑफिसर बन सकता हूँ। और जो प्रेस्टीज, जो रेस्पेक्ट सोसाइटी से एक आर्मी ऑफिसर को मिलती है वो अनपैरेलल है, आप किसी से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने तो ड्रॉप ले लिया था। अभी अगर मैं अपने पापा को जाके बोलता पापा मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो आपको पता है क्या होने वाला था। और ऐसा ही हुआ। अब
अभी भी याद है मुझे, अगस्त था 2015 अगस्त, मैंने अपने पापा को ये बात कही, पापा बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बहुत समझाने के बाद, कुछ दिन ना बात करने के बाद, उन्होंने मेरे सामने दो ऑप्शन रखा। उन्होंने बोला कि ये जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि जो तैयारी करते करते बहुत ज्यादा एज हो जाते हैं लेकिन जॉब नहीं लगता। तो उन्होंने बोला मुझे कि एक काम करो, तुम फार्मेसी कर लो, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो एग्जाम कोर्स होता है, वो क्या होगा, एक सेफ्टी नेट की तरह होगा। मतलब आप कभी सर्कस देखने गए, उसमें देखना जो लोग रस्सी में चलते हैं ना, उनके नीचे नेट लगा हुआ रहता है, ताकि वो कितने भी ज्यादा अच्छे क्यों ना हो, अगर गलती से डिसबैलेंस हुआ तो एटलीस्ट नेट उन्हें बचा के रखेगा। तो ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी था वो मेरा नेट था, इन केस ग्रेजुएशन करने के बाद अगर मैंने नहीं निकाल पाया कॉम्पिटिशन किसी भी कारण से, मुझे अपने पर भरोसा तो था, मेहनत तो मैं करने को तैयार था, लेकिन भी वर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं नहीं निकाल पाया, एटलीस्ट मेरे पास ये डिप्लोमा होगा जिसके थ्रू मैं एटलीस्ट एक मेडिकल शॉप खोल सकता हूँ और अपना नॉर्मल लाइफ एक जी सकता हूँ। तो 2015 में मैंने रांची कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन कराया और ये 2 साल का कोर्स था। साथ में मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स, अभी जियो आ चुका था, ठीक है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स यूट्यूब में मैंने पता करना तैयारी किया कि सीरियस का तैयारी होता कैसे। तो मुझे एक इंटरव्यू दिखा जिसमें एक कैब ड्राइवर था बैंगलोर का, जो खुद कैब चलाता था, जिसने इग्नू से ग्रेजुएशन किया हुआ था, और वो सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके ओटीए चेन्नई के लिए वो ट्रेनिंग में जा चुका था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ग्रेजुएशन ही करना है तो क्यों ना मैं इग्नू से करूँ, क्योंकि आखिर तो मुझे चाहिए एक डिग्री, यूपीएससी का सिर्फ एक डिग्री चाहिए, वो मैटर नहीं करता है कि आप आईआईटी से पढ़ते हो या आप किसी बड़े कॉलेज से पढ़ते हो, उसे चाहिए एक डिग्री। तो मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में 2016 में एडमिशन लिया। अब तब तक मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका था डिप्लोमा का, ठीक है, मैं एग्जाम्स दे रहा था, उसका प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, और मैंने अब यहाँ भी एक डिसीजन आया कि अब कौन सा कोर्स लें। तो मैंने जाके सेंटर पर गया, मैंने पूछा सर से कि सर आपको एक ऐसा कोर्स बताइए जिसपे मैं बहुत ज्यादा कम मेहनत से ग्रेजुएशन कर सकूं, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्लोमा कर रहा था, वो टफ है, बहुत प्रैक्टिकल्स है, असाइनमेंट्स है, बहुत कुछ है, प्लस मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ, सीडीएस है, तैयारी करना है उसके बारे में, अभी तक सीएपीएफ का कोई आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी ले लो, एग्जाम से एक हफ्ता पहले भी पढ़ोगे तो अच्छा से मार्क्स आ जाएगा, ताकि आप पास कर सको। तो मैंने जाके सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया, मुझे सोशियोलॉजी का एस भी नहीं पता क्या होता था, ठीक है। सो बुक्स मिले, उन्होंने बोला कि अगले साल जुलाई में एग्जाम होगा, तो ठीक है, एक साल है मेरे पास। अब मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। तो 2016 में मैंने सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया, जो कि 2019 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हुआ क्या कि मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाता था, वहां से 1:30 में घर आ जाता था, उसके बाद जो समय रहता था, अब मेरे पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। और अगर आप सीडीएस के प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपका 9th-10th स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो एक दो बच्चों को पढ़ाऊंगा, उससे मैं अपना भी पढ़ लूंगा, प्लस मेरे अपने एक्सपेंसेस भी निकल जाएगा। 2-3 महीने होते ही होते, ये 2015 का बात है, ठीक है, जब मैंने डिप्लोमा का एडमिशन लिया था, तब तक इग्नू में एडमिशन मैंने नहीं लिया था। 2 बजे से लेकर मैं 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, शाम में, सुबह मैं 5:30 से लेकर 8 तक, या फिर जब कॉलेजेस रहते थे तब 7 तक ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद फिर कॉलेज के लिए चला जाता था, फिर वापस आता था, फिर ट्यूशन पढ़ाता था, फिर रात में प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स करता था, अगर समय मिलता था तो थोड़ा सीडीएस का ही पढ़ता था। और फिर ऐसे ही करते करते ऐसे 2 साल बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। डिप्लोमा फार्मेसी खत्म हुआ, सोशियोलॉजी का मेरा अभी भी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का बाकी था। तो हमारे डिप्लोमा में एक रूल होता है कि आपको आखिरी का जो 3 मंथ्स होता है उसमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाके ट्रेनिंग करना है। तो मैं उस समय, मुझे उन्होंने सदर हॉस्पिटल गुमला दिया, मैं वहां चला गया। जब मैं सदर हॉस्पिटल गुमला गया तो वहां मैंने फर्स्ट टाइम सीआरपीएफ को देखा।
सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आए हुए थे हमारे हॉस्पिटल में, और फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा और जो रिस्पेक्ट उन्हें मिल रहा था, जो उनके एक अपना एक एक मैं उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, मैंने सोच लिया कि नहीं करना है तो ये करना है। मैंने पता करना शुरू किया कि सीआरपीएफ क्या होता है, क्या सिलेबस है, कैसे करना होता है। तो उन्होंने बोल, तो ग्रेजुएशन तो चाहिए। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और मैं तैयारी में लग गया, मैं सच में तैयारी। सो 2019 के स्टार्टिंग में मींस फेब में सीडीएस 1 2021 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उस समय मेरा ग्रेजुएशन का एक फाइनल ईयर चल ही रहा था, तो जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया था रिटर्न। रिटर्न क्वालिफाई जब किया तो फिर लगा जैसे मैं ऑफिसर बन ही गया, जैसे सभी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को लगता है। तो मैं एसएसबी के लिए भोपाल गया, भोपाल में मैं स्क्रीन इन हो गया। जब स्क्रीन इन हुआ उसके बाद फिर 5 दिन के बाद मुझे कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया गया। उसके बाद मैं रांची वापस आया। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे फिर से, या तो मैं वापस सीडीएस के लिए कंटिन्यू रखूं, जो कि मैंने रखा, मैंने प्रिपरेशन तैयार रखा, लेकिन साथ में मैंने सीएपीएफ का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और मुझे पता था कि इस बार भी मैं सीडीएस एग्जाम दूंगा, फिर से एसएसबी जाऊंगा, लेकिन सीएपीएफ पे पूरा कंसंट्रेशन के साथ मैंने अटेम्प्ट देने लगा। क्योंकि सीएपीएफ में अगर आपने रिटर्न अच्छा से स्कोर कर लिया और इंटरव्यू आपका डिसेंट गया तो आपका लिस्ट में नाम होने का चांसेस 100% होते हैं, लेकिन सीडीएस में या आर्मी में एसएसबी में सेलेक्ट होने का चांसेस इस पे डिपेंड नहीं करता आप कितने ज़्यादा मेहनत करते हो, बल्कि इस पे डिपेंड करता है आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है या नहीं, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। इसलिए मैंने उसके बाद फिर सीडीएस 2019 दिया, उसका भी रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया, मगर मैं उसका एसएसबी नहीं दे पाया। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सीडीएस 1 2020 भी मैंने दिया, उसका भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, मगर कोविड के कारण उसका जो एसएसबी इंटरव्यू था वो डिले होता गया होता गया। और फिर मैंने सीएपीएफ का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जो कि टाइम लग गया, और 2020 का अप्रैल में फॉर्म भरा मैंने इसका। और अब देखो कि मेरी तैयारी तो था लेकिन उतना भी अच्छा तैयारी नहीं था, और आ गया कोरोना। कोरोना आने से क्या हुआ कि हमारा एग्जाम जो वो डिले होते होते दिसंबर पहुंच गया, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 6 to 8 months का एक्स्ट्रा समय मिल गया। अब उस समय को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। मेरे जो ट्यूशंस थे वो ऑनलाइन हो रहे थे, मैं ऑनलाइन जूम क्लास के थ्रू क्लासेस ले रहा था। मेरा डिप्लोमा खत्म हो चुका था, ऑलरेडी एक फार्मासिस्ट था, लेकिन अभी मैंने उसके लिए कुछ दुकान या कुछ करने का सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे एक दो बार तो अपना अटेम्प्ट देना ही देना है, नहीं होगा तो देखेंगे क्या करना है इसमें। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और तैयारी में लग गया। जो 8 महीने जो मुझे समय मिले, उस 8 महीने में मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया, बहुत ज्यादा, जितना हो सके उतना ज्यादा। और दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया और अच्छा एग्जाम तो अच्छा गया, पेपर वन मेरा उतना अच्छा नहीं गया। इसीलिए अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो वहां पर मेरा मार्कशीट है, उस मार्कशीट में आप देखना कि मैं जो पेपर वन है उसमें सिर्फ मैंने 120 स्कोर किया है, जो कि कट ऑफ से 4 ज्यादा है, लेकिन पेपर टू में मैंने 117 स्कोर किया, जो कि इंडिया के और अमंग द हाईएस्ट मार्क्स में आता है। और जो सीएपीएफ एस्पिरेंट, उन्हें पता है कि 117 लाना बहुत बड़ी बात होती है पेपर टू में, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम हो गया, ये अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया फेब में। फेब में जब रिजल्ट आया तो उस समय हमें डैफ भरना पड़ता है, मैंने डैफ भरा। अब आया हमारा फिजिकल। फिजिकल का जो डेट था वो था अप्रैल 2021। फिजिकल के लिए मुझे गोरखपुर सेंटर अलॉट हुआ, मैं गोरखपुर गया, 15 तारीख मुझे अभी भी याद है। फिजिकल मैंने क्लियर किया, मेडिकल भी अच्छा गया, लेकिन उन्होंने मुझे रीमेडिकल दे दिया। मुझे दो कंडीशंस थे, वो दो कंडीशंस पे उन्होंने मुझे रीमेडिकल दिया। एक, हेमोग्लोबिन मेरे बॉडी में बहुत कम था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 10 kg से वेट लूज किया था फॉर फिजिकल्स, क्योंकि आपको पता है ना एक पर्टिकुलर हाइट का एक पर्टिकुलर वेट रिक्वायरमेंट चाहिए होता है सीएपीएफ में। उसके बाद जब मुझे मेडिकली रिजेक्ट हुआ तो मैं जब ऑटो से अपने होटल आ रहा था, मेरे होटल में पापा मेरे साथ गए हुए थे, मैं ऑटो में बाकी सारे कैंडिडेट्स जिनको क्वालिफाई कर दिया गया था मेडिकल, जो कि फिट थे, वो इंजॉय कर रहे थे, मैं लिटरली रो रहा था, मतलब आंख से आंसू गिर रहे थे लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, ठीक है। मैं जब होटल गया, मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कैसा गया रिजल्ट,
तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे ये चीज के लिए रीमेडी करवाइए। मैं बहुत रोया, मुझे मैं अपने आप को कोस रहा था कि मुझे अपने आप को पहले एग्जामिन करवा लेना चाहिए था। मैंने इतना 1-2 साल इस पे दे दिया, अब मैं इस पे फिट नहीं हूं, अब मैं क्या करूंगा। तो उसी समय मेरे एक मामा जो है वो आर्मी में कर्नल है, तो मेरी मम्मी को मैंने इसके बारे में बताया, तो मेरी मम्मी ने बोला कि आपको मैं नंबर दे रहा हूँ उनका, आप उनसे बात करो। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको री मेडिकल मिलेगा, आप एक काम करो, आप रांची जाओ और वहां से आप डॉक्टर से जो सर्जरी वाला पार्ट है वो उससे बारे में डिस्कस करो, और बाकी जो हेमोग्लोबिन है वो तो दवाई से या फिर अच्छे खान पान से वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो 18 अप्रैल को मैं रांची पहुंचा, और आते ही अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। मैं रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची, जो मेन हॉस्पिटल है रांची गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसके लिए सर्जरी करा लो, मैं आपको फिटनेस दे दूंगा। और आपको रूल पता होना चाहिए सीएपीएफ में, क्या है ना कि आपको 14 डेज के अंदर भेजना पड़ता है, ठीक है, 14 डेज में उनके पास पहुंच जाना चाहिए, लेट बाय लेटर सब कुछ करा के। तो उसी समय ये 19 अप्रैल की बात है, 19 अप्रैल को सुबह को मैं डॉक्टर पास गया, उन्होंने बोला सर्जरी करा लो। शाम में जिस हॉस्पिटल में पापा काम करते हैं मैं वहां गया, तो वहां डॉक्टर थे, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अगला दिन आप आ जाइए सर्जरी करा देंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो मैं लेके आया हूँ और मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मैं एक्चुअली सुबह से कुछ नहीं खाया था, टेंशन था ना, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और फिर मेहनत करने के बाद अब आपको कोई रिजेक्ट कर दे कोई मेडिकल रीजन के लिए जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं हो, तो आप सोच सकते हो मेरे उस समय सिचुएशन क्या थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप तैयार हो तो आधा घंटा में सर्जरी कर देते हैं। तो आधा घंटे के अंदर तुरंत ड्रेस चेंज हुआ, बोतल ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट किया गया, उसके बाद स्लाइन वाटर पानी चढ़ाया गया, बहुत सारा चीज जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं सर्जरी पहले वो कराया गया, और विद इन हाफ एन आवर मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर था, और 6:30-7 बजे तक ऑपरेशन हो गया। उसमें मुझे एनेस्थीसिया दिया हुआ था, पेन तो हो नहीं रहा था कुछ भी, चीज़ पेन था भी तो मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे सीएपीएफ करना है, मुझे ये ऑफिसर बनना है। तो 2 दिन बीते, हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज हुआ, लेकिन आपको याद होगा अप्रैल 2021 में सेकेंड आया था वेव कोविड का, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। एक हमारे डीडी होता है बनवाना पड़ता है 100 रुपीज का, वो भी एसबीआई से, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी हमारे हेल्प नहीं कर रहा था, जिनसे भी जिससे भी हम जानते थे, जो भी हमारे रिलेटिव थे जिनके रिलेटिव एसबीआई में काम करते थे, हमने उनसे बात किया कि इनका एक डीडी बनवाना है प्लीज बनवा दो, कोई हमें हेल्प करने को तैयार नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था कि ना मेरे मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल स्टाफ थे, तो मार्च में होली के बाद वो दोनों इतना ज्यादा सीरियस कोविड-19 से फेस कर रहे थे कि सबको पता चल गया था कि इसने कोविड है, इसलिए कोई हमसे मिल नहीं रहा था, ठीक है। और हमने रिकवर कर लिया था, पापा रिकवर होके घर आ चुके थे उसके बावजूद। तो मैंने क्या किया, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि अगर किसी के पेरेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को लिखा व्हाट्सएप पे कि किसी के पेरेंट्स एसबीआई में है तो मुझे कांटेक्ट करो। आप सोच नहीं सकते हो, 2 साल पहले एक बच्चा मुझसे पढ़ा था, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि सर मेरी मम्मी है, आज मैं उस बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ आर्यन, थैंक यू सो मच, अगर आप उस दिन नहीं रहते तो मेरा डीडी नहीं बनता, डीडी नहीं बनता तो आज मैं यहाँ पास नहीं होता। उनकी मम्मी ने तुरंत तुरंत डीडी बनवाया, शाम को डीडी बना, हॉस्पिटल से सारा कागज पापा ने तैयार करवाया, डॉक्टर के पास पापा, फिर उसी दिन का बात है ये, अगले दिन का बात है जब 19 तारीख को जब मेरा होश में आया था, उसके बाद पापा डॉक्टर के पास गए रिम्स हॉस्पिटल, वहां उनसे साइन करवाया, उसी दिन हमने पोस्ट किया, सब कुछ उसी दिन हुआ, और सब मेरे मम्मी पापा ने किया, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल बेड में था, मुझे अलाव नहीं था उठना, सर्जरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो 3 से 4 दिन मुझे तो हॉस्पिटल में ही रहना था। उस समय मेरे पापा मम्मी तुरंत तुरंत कोविड से रिकवर भी हो रहे थे, और जिस तरीके के एफर्ट्स उन्होंने दिखाया, मतलब किसी ने सही कहा है कि अगर आप लाइफ में किसी को सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहते हो ना, अगर आप थैंक यू बोलोगे भी तो वो कम है तो वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जरूरत के, क्योंकि बिना जरूरत के तो आजकल कोई किसी कुछ नहीं करता, लेकिन पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ है। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी करो तो उन पेरेंट्स के लिए करना, किसी और के लिए मत करो, अपने लिए भी मत करो, उन पेरेंट्स के लिए आप करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। तो डीडी हुआ, उसके बाद मैं घर आया, डीडी एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, हेडक्वार्टर्स भी चला गया। अब क्या था, मुझे रिकवर होना था,
क्योंकि मुझे फिर से मेडिकल देना है, तो आपका जो वुंड्स है उन्हें रिकवर करना होगा, आपका मेजर हेमोग्लोबिन उसको बढ़ाना होगा। तो मैं कंप्लीट 3 से 4 महीने बेड रेस्ट पे था, और मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन जूम क्लास में पढ़ाता था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पेट की जो सर्जरी, मेरे स्टमक में सर्जरी हुआ था। तो अब बच्चों का तो क्लास मिस होना नहीं चाहिए। मैं अपने स्टमक पे तावेल को टाइट से बांधता था और टेबल में बैठ के जूम क्लासेस लेता था, और स्टूडेंट्स को मैंने बोल रखा था कि मैं कस के बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे स्टमक में पेन होगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ, और मैं आज भी उनको थैंक यू बोलता हूँ। तो 2020 बैच जो था मेरा, जिन्हें मैंने पढ़ाया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ इतना ज्यादा कोऑपरेट किया। उन पेरेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ इतना ज्यादा कोऑपरेट किया। अब मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। सितंबर में मुझे रीमेडिकल के लिए बुलाया गया। अभी रीमेडिकल की कहानी तो और अलग ही है। फर्स्ट दिन मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया, शाम हो गया, रिपोर्ट नहीं। मैं सबको बोला जाता था कि यू आर फिट, यू आर अनफिट, यू आर फिट, यू आर अनफिट। मुझे बैठा के रखा गया, मुझे बोला गया कि आपका फिर से ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। अब मैं डर गया, मतलब ऐसा क्या है, सबका एक बार में हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं। रात भर मुझे नींद नहीं आई उस दिन, और मेरा नोएडा में दिया गया था, CISF हॉस्पिटल नोएडा। अगला दिन गया मैं, फिर से ब्लड टेस्ट हुआ, फिर सुबह में ब्लड टेस्ट हुआ, शाम तक बैठे रहे हम लोग। रात का 7:30 बज गए। सब अब आखिरी के 5-6 कैंडिडेट्स बाकी थे, उसमें से मेरा भी था। मुझे लग गया था कि दो बार अगर आपका टेस्ट हो रहा, समझ जाओ भैया आप बॉर्डर पे हो, या तो हाँ या तो ना। उन्होंने मुझे पास कर दिया। मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये जो था ना कि आप बॉर्डर पे हो या तो हाँ या तो ना का सिचुएशन पे हो, उस पर अगर आप जीतते हो तो एक हैप्पीनेस आती है। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने सोच रहा था मैं तो इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, बहुत भयंकर करूंगा, क्योंकि मुझे पता था इंटरव्यू 1-2 महीने के अंदर तो होनी ही होनी है। मैं वापस रांची आया, मैं इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। अब बात आया कि अब इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, मॉक इंटरव्यूज देना पड़ेगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे बच्चे थे, उनका एग्जाम है, उनका एग्जाम का तैयारी कराना है। उस साल बोर्ड ने बोल दिया था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम्स होंगे, तो दिसंबर में उनका बोर्ड्स था। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो घर पे यूट्यूब से ही तैयारी करते हैं। मॉक इंटरव्यूज में मैंने एक भी नहीं दिया, ना मैं कहीं गया तैयारी करने के, जो तैयारी किया घर पे ही। मेरी सिस्टर का मैरिज भी था नवंबर में, 29 नवंबर को मैरिज था, मैं इंटरव्यू का डेट आया था 6 दिसंबर। तैयारी किया, तैयारी किया, तैयारी किया। उस समय अचानक मेरे दादाजी का भी तबीयत खराब हो गया। इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया कि वो बेड से खुद से उठ नहीं पा रहे थे, तो उन्हें भी टाइम देना था, सब कुछ करना था। तो जैसे तैसे मैंने तैयारी की, बहुत सा दिमागी इधर उधर डिबेट्स हो रहा था, मैरिज है, दादा का तबीयत खराब है, ट्यूशन पढ़ाना है, अपना पढ़ना है, पता नहीं एग्जाम में रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा था। इंटरव्यू देने गया मैं, मुझे मुझे अभी भी वो याद है। डॉक्टर मनोज सोनी का बोर्ड मुझे अलॉट हुआ था, मैं उस दिन उस पैनल में सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू था। तो आफ्टरनून बैच में इंटरव्यू था, 5:30 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पूरा हॉल खाली, सब कुछ सब चले गए, 5 बज गया है, सबका छुट्टी हो गया। 5:30 बजे में इंटरव्यू का कॉल आया, मैं गया, इंटरव्यू हुआ, नॉर्मल इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मिथ्स है इंटरव्यू के बारे में। मुझे इंटरव्यू में 96 मार्क्स आए थे, ठीक है, अब कुछ ज्यादा, मतलब अबव एवरेज मार्क्स, अच्छे मार्क्स है। लेकिन वो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे ये पूछा गया, मुझे वो पूछा गया, मुझे कुछ नहीं पूछा उन्होंने। मतलब वो अमेज थे कि किस तरीके से मैंने अपने 12th के बाद इतना सारा चीज एक साथ किया। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, डिप्लोमा भी किया, नौकरी मतलब हॉस्पिटल में जाके काम भी किया, प्लस ग्रेजुएशन भी किया, प्लस तैयारी भी किया, बहुत सारा कुछ एक साथ। तो उसी बारे में मुझे पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तुमने कैसे किया, सोशियोलॉजी क्यों लिया, ये हो। तो मैंने उन्हें सब कुछ खोल के रख दिया कि सर एक एक चीज मैंने बोल दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या सोचेंगे, मतलब मैंने बोलते गया, बोलते गया, बोलते गया। फिर इंटरव्यू खत्म हुआ, अगले दिन मैं वापस रांची आया। 15 दिसंबर को मेरे दादाजी का डेथ हो गया, और उनके डेथ के 2 से 3 दिन के बाद ही हमें ये पता चला गया कि 2021 का भी अटेम्प्ट मैंने दे दिया था। तो 2021 का भी पेपर मेरा क्लियर था, उसका इंटरव्यू, उसका फिजिकल का डेट्स आ गया था, और मुझे यहाँ गुवाहाटी बुलाया गया, BSF गुवाहाटी, जो कि 23rd को हमें बुलाया गया था वहाँ।
अब यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो दादाजी का जो 10 दिन का कार्यक्रम है वो देखो, उसमें शामिल हो, या फिर वो अपना फिजिकल्स के लिए जाओ। तो सभी ने बोला, तो अब मुझे भी जाना है, तो ऑब्वियस है फिजिकल्स के लिए मैं जाना था क्योंकि घर में सारे लोग थे ही। तो मैं चला गया गुवाहाटी, वहां मैंने फिजिकल दिया एक बार में क्लियर, मेडिकल दिया एक बार में क्लियर, मतलब इस बार सब कुछ एक बार में हो गया। गोरखपुर जैसा हाल नहीं हुआ मेरा इस बार कि कुछ भी चीज एक बार में ना हो, ठीक है। वहां से मैं वापस आया 29th of December। अब हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे क्योंकि इंटरव्यू तो 25th 23rd को सारा का हो गया था। 4th जैन तो रांची में मैं था, अपने फैमिली के साथ बालकनी में बैठा हुआ था और आग सका रहा था, ठीक है, ठंडा का सीजन ऑब्वियस है। तो फोन मेरे पास था नहीं, फोन अंदर रखा हुआ था मैं। तो मैं अंदर जब आया तो वहां पर मैंने व्हाट्सएप खोला, तो व्हाट्सएप में मेरे एक गोरखपुर के एक फ्रेंड फ्रेंड मतलब जो हम लोग मिले थे वहाँ मेडिकल में, उनका एक मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन AR rank 59। मैंने बोला सच में, जल्दी जल्दी मैंने PDF खोला, अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड लेके आया, देखा राहुल राज। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने बोला एडमिट कार्ड लाओ, एडमिट कार्ड से चेक किया, देखा राहुल राज। उस दिन मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया, जो हैप्पीनेस मैंने अपने पेरेंट्स के आंखों में देखा, जितना भी मैंने स्ट्रगल किया वो सब जीरो हो गया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इतना हैप्पी थे, एटलीस्ट मेरे फादर जो है वो इतना ज्यादा हैप्पी थे कि वो ऑलमोस्ट रोने वाला पोजीशन पे थे, और वो चीज मैं अभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो ये तो मेरी जर्नी हुई AR rank 59 फ्रॉम अ नॉर्मल ट्यूशन टीचर से एक AR rank 59 UPSC क्वालिफाई करने में। अभी आपने इस जर्नी से बहुत कुछ देखा होगा, तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बोलते हैं कि मैं IIT से पढ़ूंगा तो ही मैं, या दिल्ली के कोई बड़े कॉलेजेस से पढ़ूंगा, या मैं बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाऊंगा, या मैं दिन भर 24 घंटे में 13-12 घंटे पढ़ूंगा तभी जाके UPSC क्वालिफाई कर सकते हो। आप देख लो, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, दिन भर में 3 से 4 घंटे ही मुझे समय मिलता था पढ़ने को। कोविड के कारण मुझे समय मिला तो मैं अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाया, लेकिन उसमें भी मैं 8 से 9 घंटे तो ट्यूशन ही पढ़ाता था। तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता आप कितना मेहनत करना चाहते हो, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि आप जो चाहते हो अपना लाइफ में वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकेंड में थी है कि क्या एक छोटे शहर से जिसमें जहां इतना अच्छा एजुकेशन आपको नहीं मिल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग वो इतना अच्छा नहीं है, बोर्ड मैनर पैनल मेंबर्स के सामने आप डर जाओगे, कैसे इंटरव्यू दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ट्यूशन पढ़ाने से दो चीज सीखा, कॉन्फिडेंस। आप मुझे 1000 के याद में खड़ा कर दो, मैं बोल सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस। मैं रोज बच्चों से बातें कर रहा हूँ, रोज 40 बच्चे 50 बच्चे एक बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो डर नहीं है लगता है पब्लिक स्पीकिंग से। तो ये मुझे फायदा मिल गया उससे। और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर। उसके बाद अब आया फोर्स अलोकेशन का टाइम, और मुझे उन्होंने ITBP अलोकेट किया, और ITBP मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी था, मुझे चाहिए ही था ITBP, क्योंकि आप देख रहे हो 2015 से लेकर 2022 तक मैं घर में ही हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज किया मतलब डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर घर में ही हूँ। अब इतना जो स्ट्रगल, इतना जो मैंने, मेरे दोस्त भी नहीं है ज्यादा, सिर्फ दो ही दोस्त हैं जो मेरे बचपन से हैं, बाकी उसके अलावा कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तो मैं यही लास्ट में सारे स्टूडेंट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को जो 10th में है, 11th में, 12th में, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एम डिसाइड कर लेना है कि मुझे करना क्या है, और आपको उसके लिए आगे बढ़ते रहना है। ये मत सोचो कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ, पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, नहीं, आप दौड़ रहे थे धीरे चलो, लेकिन बढ़ते रहो, छोड़ना मत, क्योंकि जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, समझ जाओ उस दिन आपसे आगे बहुत और बच्चे निकल जाएंगे। और ज्यादा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा रहे हो तो आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, सीट्स हर साल कम होते जा रहे हैं, तब तक बेस्ट हो। ये जो अटेम्प्ट आपका होगा, ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा, और उस आखिरी अटेम्प्ट मान के उसको चलो और अपना बेस्ट दो। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो समझ जाना आपसे भी बेहतर कोई है, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाला कोई है। अगली बार
उनसे भी ज्यादा मेहनत करना है। जो प्रॉब्लम्स हुआ, जो आपके सेटबैक्स थे, जो आपने गलतियां की, उसको सुधारो और फिर से आगे बढ़ो, लेकिन रुको मत। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फ्रूटफुल समझ में आया होगा जो आप अपना लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहोगे। जो गलतियां मैंने की या जो स्ट्रगल मैंने किया, आप उस स्ट्रगल से कुछ सीखो और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।